300-400 मेरी बेटी को बहुत परेशान कर रहा था। तो वो कस्टमर के घर गई है काम करने के लिए, तो उधर से वापस आ रही है रास्ते में, तो रास्ते में पता नहीं उसका पीछा कर रहा था, पता नहीं क्या उसके साथ ही थे 5-6 और वो लड़का था, तो उसने रास्ते में मेरी बेटी को घेर लिया, उसने रास्ते में आके रास्ते में घेर लिया। तो उसको बोला कि तू मेरे को फ़ोन क्यों नहीं, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाती है, तू मेरे से बात क्यों नहीं करती, मेरे से क्यों नहीं मिलती है। तो उसने बोला मैं क्यों मिलूँ, क्यों फ़ोन उठाऊँ, मेरा क्या मतलब है तेरा और मेरा। तो उसने ऐसे बोला, तो उसको फिर उसने एक थप्पड़ मारा, पहले थप्पड़ मारा, उसने अपना फ़ोन निकाल के उस और नंबर पर कॉल करने वाली थी, तो उसका फ़ोन लिया छिड़ा के उसने धड़ मारा है, उसका फ़ोन तोड़ दिया। फिर मेरी बेटी को गुस्सा आया तो उसने भी उसमें थप्पड़ मारा, उसने क्या काम करा नीचे उसको मेरी बेटी को गिरा के उसमें लात घुसे और ये गर्दन वर्दन सारी नोच डाली थी। फिर मेरी बेटी गुस्सा आया नीचे से उठ के, मेरी बेटी हेल्थ की अच्छी थी मेरे जैसी थी, उसने उठ के उसके सर पे ईंट मारी है तो उसका सर फाड़ दिया यहाँ से उसका। तो फिर मैं तो यहाँ थी नहीं, मैं 4 बजे ड्यूटी जाती हूँ, मेरे को पता चला है 7 बजने में, जैसे 10 मिनट 7 बजे के लगभग पता चला है, 7 बजे के लगभग पता चला छोटी बेटी का कॉल आया। नीरज कौन था, उसको पहले जानते थे? ये सर ये पहले मेरे पड़ोस में रह चुका था काफी दिन पहले, ऑटो पकड़ा वहाँ से, ऑटो में से ही मैंने कॉल करी है, मैं सर ऐसे ऐसे बात है मेरी बेटी के साथ में, ऐसे ऐसे उसने मारपीट करी है और ऐसे ऐसे उसका फोन ऑन तोड़ दिया है, मेरी कंप्लेन दर्ज करी है। तो पुलिस वालों ने कंप्लेन दर्ज करी है, 7:35 10 मिनट तो होंड पर चली है। तो ऐसे करके मैं यहाँ आई हूँ घर पे वापस, यहाँ पे अपने यहीं पे बजाय खूते से तो ये गेट अपने आप खुल गया, देखा है तो ये कमरे की लाइट बंद है, उस कमरे की भी लाइट बंद है, फिर मैंने देखा है लाइट इस कमरे की जलाई है, फिर उस कमरे की लाइट जलाई है, तो देखो मेरी बेटी ऊपर लटकी हुई मिली।